तस्वीरें आप देखिए, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात के बाद सीएम भजनलाल शर्मा यहां से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ सीएम भजनलाल शर्मा की मुलाकात हो चुकी है और अब इस तरह की खबरें हैं कि सीएम भजनलाल शर्मा राजधानी जयपुर के लिए रवाना होंगे। यहां से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं सीएम भजनलाल शर्मा। लगातार दिल्ली दो दिवसीय दौरे के दौरान सीएम भजनलाल शर्मा की जो शिष्टाचार मुलाकात नेताओं के साथ हुई उसकी तस्वीरें लगातार आपने देखी। राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, साथ ही साथ नितिन गडकरी जैसे तमाम दिग्गजों के साथ मुलाकात हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी सीएम भजनलाल शर्मा ने मुलाकात की, शिष्टाचार भेंट हुई। और अब नेताओं के साथ मुलाकात के बाद और मंत्रिमंडल को लेकर, मंत्रिमंडल गठन को लेकर कल मीटिंग हुई जिसमें चर्चा चली। अब सीएम भजनलाल शर्मा राजधानी जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे, दिल्ली एयरपोर्ट से रवाना होंगे। बैक टू बैक मंथन से मंत्रिमंडल का हल निकालने का यहां पर प्रयास किया गया और अब शिष्टाचार मुलाकातों का जो दौर है सीएम के इस दिल्ली दौरे का वो भी समाप्ति की ओर है। अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली के लिए, दिल्ली से जयपुर के लिए रवाना होंगे। दिल्ली एयरपोर्ट के लिए सीएम भजनलाल शर्मा यहां से निकलेंगे। हमारे सहयोगी राजीव लगातार हमें बता रहे थे कि ये जो मीटिंग है सीएम भजनलाल शर्मा के इस दौरे की आखिरी मीटिंग हो सकती है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से सीएम भजनलाल शर्मा ने मुलाकात की और इसी के साथ ही अब जयपुर के लिए थोड़ी देर में सीएम भजनलाल शर्मा दिल्ली से रवाना हो सकते हैं। तो जयपुर से दिल्ली तक का दौड़ और मंत्रिमंडल में कौन होगा शामिल इसे लेकर भी तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि कल शाम को एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई दिल्ली में। सीएम भजनलाल शर्मा इस मीटिंग में थे, दोनों डेप्यूटी सीएम इस मीटिंग में थे जिसमें गृहमंत्री अमित शाह भी थे और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी थे। मंत्रिमंडल का अनाउंसमेंट कुछ ही दिनों में हो जाएगा। अभी फिलहाल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात हो चुकी है, हमारे सहयोगी राजीव जुड़ गए हैं। पल पल का अपडेट राजीव हमें दे रहे हैं सीएम भजनलाल शर्मा के दिल्ली दौरे को लेकर। राजीव, आप दिल्ली एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे सीएम भजनलाल शर्मा, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए भजनलाल शर्मा इस समय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मिलकर के और सीधे दिल्ली एयरपोर्ट के लिए निकले हुए हैं और दोनों डिप्टी सीएम अलग अलग गाड़ियों से जो है जा रहे हैं वहीं पे एयरपोर्ट से। और बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट से या तीनों लोग जो है सीधे जयपुर जाएंगे। जयपुर में तमाम महत्वपूर्ण बैठकें हैं, उन बैठकों में शामिल होंगे, लिहाजा अब यहां से रवाना हो चुके हैं एयरपोर्ट के लिए उपराष्ट्रपति के घर से मुलाकात करके। उपराष्ट्रपति से इनकी एक शिष्टाचार मुलाकात थी, सुबह 9 बजे मुलाकात होनी थी, लेकिन चूंकि संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और उपराष्ट्रपति को पार्लियामेंट जाना पड़ा और यही वजह रहा कि अब 1 बजे मुलाकात हुई है, मुलाकात खत्म हो चुकी है। और बताया जा रहा है कि बहुत ही महत्वपूर्ण मुलाकात है, कई लोगों से शिष्टाचार मुलाकात हुई है, उसी क्रम में आज उपराष्ट्रपति से भी होनी थी, तो अब ये मुलाकात समाप्त हो गई है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस समय दिल्ली एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए हैं। जी जी बिल्कुल राजीव, दर्शकों को बता दें कि आज सीएम भजनलाल शर्मा के राजधानी जयपुर में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं। विकसित भारत तरह संकल्प यात्रा के तहत आयोजित होने वाले कार्यक्रम का उद्घाटन भी सीएम करेंगे और ब्यूरोक्रेट्स के साथ मीटिंग आज करने वाले हैं। राजीव, सीएम भजनलाल शर्मा बीजेपी के संकल्प पत्र को लेकर काफी पर्टिकुलर नजर आ रहे हैं और सीधे तौर पर उनकी तरफ से दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि जो संकल्प पत्र जिसमें बीजेपी के वादे लिखे हुए हैं, जिन वादों के आधार पर जनता ने प्रचंड बहुमत दिया, उन्हें सरकारी डॉक्यूमेंट समझा जाए और उसी के तहत कार्य किया जाए। बिल्कुल, देखिए बीजेपी ने इस बार चुनाव में जो अपना मैनिफेस्टो तैयार किया था वो जनता से उस पर सुझाव भी उन्होंने लिया था कि मैनिफेस्टो में क्या कुछ होना चाहिए और यही वजह है कि बीजेपी ने इसे संकल्प पत्र का नाम दिया। और अब बीजेपी जो वादा की है, बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपनी गारंटी दी है, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि आप लोग मोदी के गारंटी पे भरोसा कीजिए, तो जनता ने भरोसा किया, पार्टी को जीत दिलाई, जब बीजेपी की सरकार बन गई है तो उसको समय रहते पूरा करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि देखिए लोकसभा का चुनाव 4 महीने के बाद है और उसके ठीक पहले जो कहा जा सकता है कि बीजेपी को अपना परफॉर्मेंस दिखाना होगा राज्य में, तभी जनता भरोसा करेगी। एक तरफ जहां बीजेपी के रणनीतिकार 25 की 25 लोकसभा सीट जीतने की जो रणनीति बना रहे हैं और ऐसे में जो है
जनता से किए हुए वादे अगर समय पे पूरा नहीं होता है तो विपक्षी दल इसको बड़ा मुद्दा बना करके और चुनाव में बड़ा फायदा ले सकते हैं। लिहाजा मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के सामने यह एक बड़ी चुनौती है कि जो वादा किया गया है बीजेपी के नेताओं द्वारा, जो मैनिफेस्टो में वादा किया गया है, उनको समय रहते कैसे पूरा किया जाए। और यही वजह है कि जो बीजेपी के शीर्ष नेता हैं, रणनीतिकार हैं, वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द मंत्रिमंडल का गठन हो जाए, सारे मंत्रियों के नाम सामने आ जाए, विभाग सबको बांट दिया जाए और तेजी से काम किया जाए। जी जी बिल्कुल राजीव, अब ये देखने वाली बात होगी कि मंत्रिमंडल का जो गठन होता है वो कब तक होता है, क्योंकि अभी राजीव तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात तो हुई, लेकिन राजीव एक बड़ी महत्वपूर्ण मुलाकात दिल्ली में अभी रह गई है और वो मुलाकात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। और सीएम भजनलाल शर्मा सभी नेताओं से जिस तरीके से शिष्टाचार मुलाकात कर रहे हैं, संभव है कि प्रधानमंत्री से भी मुलाकात जरूर करेंगे और दोबारा दिल्ली आएंगे अभी हाल ही में। बिल्कुल, देखिए ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही जो है एक और दौरा कर सकते हैं मुख्यमंत्री, क्योंकि यह जो नाम कल की बैठक में फाइनल किए गए हैं वह नाम है लगभग तय कर लिए, जो जानकारी मिलेगी 15 से 20 नाम तय कर लिए गए हैं और उनको जल्द से जल्द जो है मंत्री पद का शपथ दिलाया जाएगा, जिसमें कुछ युवा चेहरे होंगे जिनको पहली बार मौका मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि देखिए बीजेपी फार्मूले पे काम कर रही है, जो 2 बार 3 बार मंत्री रह चुके हैं लंबे समय का, जिनके पास अनुभव है, उनको मौका न देके नए लोगों को मौका देने की रणनीति में जुटी हुई है भारतीय जनता पार्टी। और आपने देखा इसी क्रम में मुख्यमंत्री भी नए नए मिले हैं तीनों राज्यों में, राजस्थान में भी यही फार्मूला इंप्लीमेंट होने की बात सामने आ रही है। इसको लेकर तमाम जो नए विधायक हैं उत्साहित हैं कि इस बार मंत्रिमंडल में उनको भी जगह मिल सकती है। जी जी बिल्कुल राजीव, कौन से होंगे वो नए चेहरे और क्या कैलकुलेशन बीजेपी में चल रही है राजस्थान कैबिनेट के गठन को लेकर, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अभी फिलहाल इंतजार 25 तारीख का किया जाना है राजीव, 25 तारीख तक कैबिनेट का अनाउंसमेंट हो जाएगा। ये जो पहली कैबिनेट होगी राजीव, ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि जो टॉप 5 जो मंत्रालय होते हैं, जिनमें गृह मंत्रालय भी आता है, जिसमें वित्त मंत्रालय भी आता है और भी बहुत सारी मिनिस्ट्रीज जो बड़ी महत्वपूर्ण हैं, वो कौन लेता है? क्या सीएम अपने पास गृह डिपार्टमेंट रखेंगे, होम मिनिस्ट्री रखेंगे, डेप्यूटी सीएम जो दोनों हैं उनके पास कौन कौन से विभाग रहते हैं, ये देखना भी बड़ा महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल, देखिए देखा जाए तो जब मंत्रिमंडल का गठन होता है तो उसमें देखा जाता है कि कौन अनुभवी नेता है, किसे क्या पोर्टफोलियो दिया जाए, किस विभाग की जिम्मेदारी दी जाए। आमतौर पर यही देखा जाता है कि जो गृह मंत्रालय होता है किसी पार्टी के वरिष्ठ नेता को ही दिया जाता है, नहीं तो मुख्यमंत्री अपने पास रखते हैं, क्योंकि राज्यों में कानून व्यवस्था संभालना एक बड़ी चुनौती का काम होता है। और आपने देखा कि इस बार जब कांग्रेस की सरकार थी तो गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास ही था और लगातार जो करप्शन हुआ, जो भ्रष्टाचार हुआ, उसको बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बनाया और इसको लेकर जो है हमेशा से कांग्रेस पार्टी और गहलोत सरकार बैकफुट पे नजर आती रही। तो इस बार अब देखना होगा कि बीजेपी गृह मंत्रालय किसको देती है, बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय है, क्या मुख्यमंत्री इसे अपने पास रखते हैं या किसी वरिष्ठ नेता को देते हैं। 2 डिप्टी सीएम भी हैं, देखिए रिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा, इन लोगों को कौन कौन सा मंत्रालय दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है हर घर जल, हर नल जल, तो इसको लेकर के जल शक्ति मंत्रालय किसको दिया जाता है, वन पर्यावरण मंत्रालय किसको दिया जाता है, राजस्थान में पर्यटन एक बड़ा उद्योग है, देश ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम लोग आते हैं घूमने, तो पर्यटन मंत्रालय किसको दिया जाता है, इन तमाम चीजों को लेकर के जो है चर्चा का विषय बना हुआ है, चर्चा चल रही है दिल्ली से जयपुर तक। उसी में देखिए स्वास्थ्य मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय भी जो है बड़ा मंत्रालय है, यह भी किसी पार्टी के वरिष्ठ नेता को दिया जाएगा। तो चर्चाएं तो तमाम है, नाम भी सामने आ गए हैं कि फला आदमी को कैबिनेट में शामिल किया जाएगा और इनका मंत्रालय विभाग यह रहेगा, लेकिन सब कुछ के बाद यही कहा जा सकता है कि जब तक यह बातें सामने नहीं आ जाए आधिकारिक तौर पर, तब तक ऐसा ही कयास लगाया जा सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री के रेस में 1 दर्जन नाम चल रहा था कि राजस्थान में फला आदमी मुख्यमंत्री हो सकता है, फला आदमी मुख्यमंत्री हो सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री जो बने उनका नाम कोई नहीं ले रहा था, भजनलाल शर्मा का। अचानक पर्यवेक्षक गए और विधायक दल की बैठक कोई नाम सामने आ गया, वही स्थिति जो है मंत्रिमंडल गठन में भी देखने को मिल सकती है। जी चलिए शुक्रिया राजीव आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो आपसे कुछ ही देर में सीएम दिल्ली एयरपोर्ट से जयपुर के लिए रवाना भी होंगे। राजीव पल पल का अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं।
कुछ ही देर में दिल्ली एयरपोर्ट की तस्वीरें भी जरूर आपको दिखाएंगे। सीएम का काफिला अब दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच सकता है और दिल्ली एयरपोर्ट से सीएम राजधानी जयपुर के लिए रवाना हो सकते हैं। तो अभी फिलहाल जो दिल्ली दौरा इस बार का सीएम भजनलाल शर्मा का रहा वो समाप्ति की ओर है और अब जयपुर के लिए सीएम भजनलाल शर्मा रवाना होने वाले हैं और जयपुर में भी आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कई महत्वपूर्ण काम हैं, कई सारे महत्वपूर्ण मीटिंग्स प्रस्तावित हैं। आज ब्यूरोक्रेट्स के साथ भी मीटिंग करेंगे। इसके अलावा सीएम भजनलाल शर्मा विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में भी जाएंगे। कुछ संभावित मंत्रिमंडल के नाम हम आपको दिखा रहे हैं, चूंकि मंत्रिमंडल गठन को लेकर दिल्ली में सीएम भजनलाल शर्मा के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत हुई है, तो ये वो नाम है जो कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। सिद्धि कुमारी विधायक है बीकानेर पूर्व से, महंत प्रतापपुरी, अजय सिंह किल्लक, इसी के साथ ही और भी बहुत सारे नाम, किरोड़ी लाल मीणा, बाबा बालकनाथ, जो मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकते हैं, प्रताप सिंह सिंघवी, मंजू वाघमार, दीप्ति महेश्वरी, ये कुछ नाम जो कैबिनेट का हिस्सा हो सकते हैं। सिद्धि कुमारी, इनके अलावा बाबा बालकनाथ, किरोड़ी लाल मीणा, पुष्पेंद्र सिंह राणावत, ये नेता राजस्थान कैबिनेट के चेहरे संभावित माने जा रहे हैं। जोगेश्वर गर्ग, महंत प्रतापपुरी, अजय सिंह किल्लक, ये वो नाम हैं जिनके नामों को लेकर कैबिनेट में शामिल होने की सुगबुगाहट तेज है। लेकिन चूंकि बीजेपी आला कमान जब फैसला करता है तो बहुत सारे चौंकाने वाले नाम भी सामने आ सकते हैं।